For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. Hey guys, this is Shubham और एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने Big Boss के नए review को लेकर। आज के review में बात करेंगे Big Boss के episode में जो Big Boss ने हम सभी को बोला, लेकिन शायद घर वालों को वो चीज सुनाई नहीं थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं connection की। अब यहाँ Big Boss और सलमान खान दोनों ने ये बात क्लियर कर दी है कि अब घर के अंदर कनेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। अब कोई भी घर वाला बिना कनेक्शन के खेल सकता है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन शायद घर वालों को ये चीज़ उतनी अभी समझ आई नहीं है, या फिर यूँ कहें कि वो समझना चाहते नहीं है। और ऐसे ही हमें एपिसोड में देखने को मिला कि कई लोग यहाँ पे अपने कनेक्शनों को लेकर लड़ाई करते नजर आए, तो कई लोग किसी के कनेक्शन बनते देख यहाँ पे जलते हुए नजर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू को और बात करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों पर। अब शुरुआत से हमें एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है कि किस तरह शेफाली यहाँ आसिम के साथ बैठी दिखती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पास बैठे होते हैं दोनों, लेकिन इस चीज़ को देखकर यहाँ पारस को काफ़ी ज़्यादा जलन होती है और पारस यहाँ पे माहिरा से ये बात करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह उन्होंने शेफाली को भाभी माना है। और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस वजह से है कि जो उनके दोस्त हैं ये उनकी वाइफ हैं और वो नहीं चाहते कि वो किसी के साथ ऐसे बैठें। यहाँ कहीं ना कहीं ये साफ देखने को लग रहा है जिस तरह शेफाली ने पारस को इग्नोर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं पारस उस बात से थोड़े से खफा लगते हैं, इसलिए अब उन्हें शेफाली किसी दूसरे और वो भी उनकी दुश्मन टीम के मेंबर्स के साथ अगर बैठी दिख रही है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। और यही बात वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहते भी नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बात करते करते पारस अपने ही रिलेशन खुद ही बिगाड़ते बैठे। यहाँ देखने को मिला किस तरह जब सना ने उनसे बात कही कि अगर आपको कुछ होगा या कोई भी गलती होगी मैं आपके साथ शुरुआत से ही खड़ी हूँ, जो बात कहीं ना कहीं माहिरा को पसंद नहीं आई और माहिरा वहाँ उनसे लड़ने लगी इस बात पर। और फिर देखने को मिला कि जैसे ही पारस ने ये बात कही कि दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, तो माहिरा कहीं ना कहीं इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई और वो अलग जाके बैठती हमें दिखी हुई थी। और माहिरा का यहाँ कहना ये था कि किस तरह पारस ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके बीच में लव ट्राइंगल चल रहा है और उनको दिक्कत होती है जब सना उनके लिए कुछ बोलती हैं। और यहाँ पे पारस फिर हमें देखता है किस तरह आते हैं और मनाने की कोशिश भी करते हुए हमें नजर आ रहे थे। अब जो हरकतें यहाँ पारस आगे करते हैं वही चीज़ अब किसी को समझ आती नहीं, क्योंकि अब पारस भी वही चीज़ कर रहे थे जो शेफाली वहाँ बैठ के कर रही थी, लेकिन यहाँ पारस जो खुद करते हैं वो चीज़ शायद उन्हें ठीक लग रही है, लेकिन कोई दूसरा करता नजर आता है तो उनको उस चीज़ पर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये हमें देखने को मिल रहा था आज के एपिसोड में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है किस तरह मरजावा स्टार का यहाँ घर के अंदर आती है और वो एक टास्क लेके घर के अंदर आते हैं, जिस टास्क के अंदर एक कंटेस्टेंट को दूसरे के जो भी बुराई है या उनके दिक्कत लगती है उस बात को बोलते हुए दिखाई दिए। यहाँ हमें देखने को मिला कि घर वालों ने फिर से वही प्लान अपनाया, उन्होंने ज़्यादातर घर वालों ने सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ टारगेट कर लिया और उनकी ही बुराई करते नजर आए। यहाँ बात करें सबसे पहले जहाँ अरहाना में देखने को मिले कि किस तरह अरहान यहाँ आके एक शायरी सुना के चले जाते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को, लेकिन अब बात करें अरहान, आपको वैसे बहुत सारी दिक्कतें हैं सिद्धार्थ शुक्ला से और आप काफ़ी ज़्यादा बार कहते भी हैं कि बात करने को मिलेगी तो आप वो चीज़ें बताएंगे भी, लेकिन आज मौका था आप बता सकते थे, लेकिन हमें देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा सेफ निकल गए, एक शायरी सुनाई और वो कुछ भी ऐसा कह के गए ही नहीं सिद्धार्थ शुक्ला को जिसकी वजह से कोई बात हो सके। फिर हमें देखने को मिला कि आज सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत दिनों बाद कहें तो किसी टास्क के अंदर रश्मि देसाई को सीधा सीधा टारगेट करते नजर आ रहे थे। आज उन्होंने रश्मि देसाई को बुलाया और वहाँ क्लियर करा कि हमारी शादी शो के अंदर हुई थी, असलियत में नहीं, तो आप कृपया करके मेरे घर वालों के बारे में कोई भी बात यहाँ पे कहें ना, जिसके जवाब में रश्मि देसाई ने भी काफ़ी तीखा जवाब उन्हें दिया और उन्होंने उन्हें बताया कि आप भी फिर मेरे से वो बातें ना कहें जो आपने मेरे से करी थी। तो रश्मि देसाई ने उनको ये दिखाया कि अगर आप मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं भी आपके बारे में बोलने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। फिर हमें देखने को मिला यहाँ पे कि आसिम ने किस तरह से एक करारा जवाब हमें देखने को मिला अरहान को देते नजर आए, जहाँ उन्होंने उनसे साफ कहा कि अगर आप अपनी माँ की कसम खा के चीज़ें करते हैं तो कसम खा के इस शो में भी करके दिखाइए, ना कि सिर्फ बातें करते नजर आइए। इसी तरह ये टास्क आगे बढ़ता लगा, लेकिन जो सबसे बड़ी दुश्मनी जिन दो जनों में निकल के इस टास्क से आई वो थी यहाँ पे देवोलीना और शेफाली। जी हाँ, जिस तरह से देखने को मिला कि देवोलीना ने शेफाली को उनकी कैप्टेंसी को लेकर सवाल उठाए और उन्होंने उनको बोला कि जो आप कैप्टेंसी कर रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बायस है, आप अपनी ही टीम वालों को मदद कर रही हैं और ऐसे करेंगी तो हमें पसंद बिल्कुल भी नहीं आएगा, जिसके जवाब में हमें देखने को मिला कि शेफाली ने उन्हें साफ कहा कि अगर मैं बायस हूँ तो मैं बायस ही रहूँगी और ऐसे ही खेलूँगी, अगर आप मेरी टीम से खेल सकती हैं तो फ़ायदे में रहेंगी, नहीं तो आपको ये दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। जिसके बाद इन दोनों के बीच जो नया मुद्दे की टकरार हो सकती है, कोई जो टारगेट करने का सिस्टम इस घर के अंदर चल रहा है, तो एक चीज़ साफ है कि अब यहाँ घर वालों में एक जोड़ी और जुड़ गई है जो एक दूसरे को टारगेट करती नजर आएगी। और यही हमें देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ शेफाली फिर किचन में देवोलीना को टारगेट करती नजर आ रही थी और उनको बहू बनी बेब और इन सारी चीज़ों को लेकर मजाक उड़ाती नजर आ रही थी। अब यहाँ पर तो ये मामला इतना बड़ा नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच लड़ाई होगी ये तो पक्का ही है, क्योंकि अब ये दोनों कितने दिनों तक बिना लड़े बचेंगे ये तो देखने वाली बात होगी।
इसके बाद हमें देखने को मिला कि जब दिन आगे गया तो यहाँ पे कई सारी चीजें हमें और भी देखने को मिली कि जब सलमान खान यहाँ घर के अंदर आ जाते हैं वीकेंड के बाहर पे, तो वो लोगों को टॉन्ट कसते नजर आ रहे थे और लोगों को उनकी गलती अब सीधे मुंह तो नहीं लेकिन कहते नजर आ रहे थे। जहाँ हमें देखने को मिला किस तरह वो अरहान को कहते नजर आए कि आप अभी आए हैं और आते ही आप लड़ाई करने घर में लग गए, थोड़ा गेम को समझ लो, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर करते नजर आए उन्हें कि जिस तरह वो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम पे लड़ रहे थे बिना किसी बात के, तो उनको पहले गेम को समझना पड़ेगा, ना कि आते ही उन पे हमला करने लग जाएं। इसी तरह से जो टास्क और आगे हुआ उसमें भी सलमान ने माहिरा को भी एक टॉन्ट मारते नजर आए थे जब उन्होंने उन्हें बोला कि आपके अब पर कट गए हैं। यहाँ पे वो उन्हें साफ कर रहे थे कि किस तरह जब माहिरा अलग अलग तरीके से टास्क में या किसी भी तरीके से या सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट कर रही थी या किसी और को पीछे पड़ रही थी जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, तो आज उन्होंने क्लियर करा कि किस तरह ये जो उनके ख्याली ख्वाब थे कि वो बहुत सही जा रही हैं कहीं ना कहीं गलत था। और बात करें माहिरा की, तो आज माहिरा का गेम भी बहुत ज़्यादा अलग हमें देखने को मिला, क्योंकि जो माहिरा हर चीज़ में सिद्धार्थ शुक्ला या आसिम इन दोनों को टारगेट करती नजर आती थी, अब सलमान खान ने जब से उन्हें डांटा है तब से उन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा तो बदल लिया है। और यही हमें देखने को मिला कि किस तरह से उन्होंने अपने रास्ते को बदलते हुए आज सिद्धार्थ शुक्ला की बात तक नहीं करी और वो बार बार पारस को हर गेम में यहाँ पर नॉमिनेट कर रही थी या उनको खड़ा करके उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाती भी हमें देखने को मिल रहा था। फिर हमें देखने को मिला किस तरह से जब टास्क आता है यहाँ पे कि जब शावर में जाने वाला, तो आज हिंदुस्तानी बहू ने एक बार फिर से घर वालों को और दर्शकों को सबको बहुत ज़्यादा हंसाया। जिस तरह से टास्क में उन्होंने इस टास्क को अच्छे से लिया और दोनों हंसते हुए करा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हंसी आई और काफ़ी ज़्यादा लोगों को मज़ा भी आ रहा था। और यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम की जोड़ी की बात करें तो वो एक बार उन्होंने फिर साबित करा कि क्यों वो अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इस टास्क के अंदर जहाँ देखने को मिला कि उन दोनों ने ही हर सवाल के जवाब एकदम सेम दिए, जो दूसरा दे रहा था वही वो दे रहे थे, यानी इससे साफ पता लग रहा है कि वो दोनों की कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा इस घर में अच्छा होता दिखता है। इसके बाद जब टास्क कर रहा था गलतफहमी के गुब्बारे का, तो हमें देखने को मिला किस तरह एक एक घर वाले आके दूसरों की गलतफहमियां या दूर करते नजर आ रहे थे, या शेफाली जाके देवलीना की करती हैं, देवलीना शेफाली पर वार करती नजर आती हैं। इस तरह ये टास्क पूरा चल रहा था, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री। जी हाँ, यहाँ पे विशाल आते हैं घर के अंदर और जैसा आप सब जानते हैं कि विशाल का जो ट्रैक है रहा है, बाहर भी उनके काफ़ी ज़्यादा झगड़े और शो में भी होते रहे हैं, तो ये तो दिलचस्प है कि जब वो इस घर में आए हैं तो बहुत ज़्यादा हंगामे करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आगे भी शो में वो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह वो खेलते हैं तो शायद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला और उनके बीच में भी टकरार हो सकती है, क्योंकि दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा एक ही जैसे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे विशाल जब घर में आए तो बिग बॉस और सलमान खान ने उनको काम दिया था कि अब वो गलतफहमी के गुब्बारे एक जने की यहाँ पे बताएं और फोड़ें, तो यहाँ पे उन्होंने अपना काम चालू करा और उन्होंने पारस को बताया कि किस तरह से वो इस घर के कृष्ण कन्हैया नहीं है जो खुद को समझते हैं। यहीं उन्होंने रश्मि को भी ये बात बोली कि आप सिद्धार्थ शुक्ला को टॉन्ट या फिर आप सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट करती हैं, ना कि वो आपको करते हैं, तो कहीं ना कहीं रश्मि पर भी उन्होंने वार करा। फिर सिद्धार्थ शुक्ला को उन्होंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, लड़कियों से आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर था वो देखने को मिला किस तरह उन्होंने हिंदुस्तानी भाव को आकर जब ये बात बोली कि मैं आपके सारे जो भी आपकी दिक्कत या फिर आपने पर्दा लगा रखा है, आप सामने नहीं आए अभी तक, मैं उसका पर्दा फाश कर दूंगा। जहाँ हिंदुस्तानी बहू का मुंह देखने लायक था, वो एकदम से समझ नहीं पाई ये क्या हुआ है। कहीं ना कहीं शायद बिग बॉस को भी ये लग रहा होगा कि हिंदुस्तानी बहू को कोई भी घर में टारगेट नहीं कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा आराम से इस गेम को खेलते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं बिग बॉस का प्लान हो थोड़ी सी चिंगारी देने का और नया एंगल निकालने का शो में, कि कोई ना कोई ऐसा बंदा भी आए जो हिंदुस्तानी बहू पर भी भारी पड़ सके। और ये हमें देखने को मिला। इस तरह उन्होंने आसिम को बोला कि वो अभी उन्हें इतना जानते नहीं है तो उन पर वो कुछ कहना नहीं चाहते। फिर खेसारी को भी उन्होंने बताया कि आप शो में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा शो के अंदर ताकि आप यहाँ पर चमकें। इसके बाद इस टास्क के खत्म होने के बाद हमें एंड में देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पारस की टीम में बात करती नजर आई कि किस तरह से वो विशाल को अपनी टीम में ले लें, लेकिन वो सीधा जाके उनसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको लगता है अगर उनको खुद अच्छा लगेगा तो उनकी टीम में आएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी नया खिलाड़ी घर के अंदर आता है तो हर टीम उसको अपनी टीम में लेने की कोशिश करती है, और यही हमें देखने को मिला कि आसिम भी या हिंदुस्तानी बहू को ये बात समझाते नजर आए थे कि आप कहीं भी पारस की बात मत आ जाना, क्योंकि आसिम को लगता है हिंदुस्तानी बहू एक स्ट्रांग है, अगर उनकी टीम में रहेंगे तो उनका फायदा रहेगा। तो हर बार कोई भी घर में नया जना आता है तो आसिम हमेशा हिंदुस्तानी बहू को ये चीज़ समझाते हैं, हमें देखा है नजर आते हैं कि आप इस टीम में मत चले जाएगा, उनकी बातों में मत आ जाना, और ये हिंदुस्तानी बहू भी क्लियर करते हैं कि मुझे पता है कौन कैसा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विशाल घर में आप आ तो गए हैं और क्या क्या हंगामे वो करने वाले इस घर के अंदर, वो देखना भी दिलचस्प होगा आने वाले एपिसोडों में। तो सारी अपडेट जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।